हेलो यूट्यूब फैमिली गाइस, आज एक अजीब सा केस आया मेरे पास जर्मन शेफर्ड का। अभी इसका सीजरियन किया था मैंने, तो ये 3 दिन पहले इसने डिलीवरी स्टार्ट की थी। डिलीवरी क्या स्टार्ट की थी, जोर लगा रही थी। तो इसके ओनर ने किसी को बुलाया, सो कॉल्ड जोला था, वही चलता फिरता बंदा था, उसको बुलाया। उसने इसको इंजेक्शन वगैरह दिए तो फीमेल की डिलीवरी नहीं हुई। वो इनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन 6-6 घंटे बाद लगाने के लिए दे के चला गया, और ये 3 दिन से इसको ऑक्सीटोसिन पे ऑक्सीटोसिन दिए जा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने इसको ट्रैक्शन लगाए, कोशिश करी, तो उससे बच्चा बाहर नहीं आया। मतलब ये परसों की बात है, मतलब 3 दिन पहले उन्होंने खींचने की कोशिश करी, बच्चा बाहर नहीं आया। तो उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं कि अपने आप इंजेक्शन लगाएंगे तो फीमेल का यूट्रस वो होगा तो वो डिलीवर कर देगी। तो आज ही मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा तू 3 दिन से क्या देख रहा है। कहता रुख साहब, उसके साथ शर्मा शर्मी वाला हिसाब था, वो बुरा ना मान जाए आपके पास लाने के, इस चक्कर में मैं उसी को दिखाता रहा। तो बस ये वीडियो का थोड़ा सा आपको बनाने का मोटिव ये था कि भाई, तो शर्मा शर्मी आपके बच्चे की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शर्मा शर्मी के चक्कर में अपने डॉग की लाइफ को बिल्कुल भी उस पर मत लिया करो यार। अगर किसी बंदे से आपके अटैचमेंट है जो घर पे आकर उसको ट्रेन करता है, बाई चांस किसी की इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सब चीज़ों का, वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो भाई अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो डॉक्टर को दिखाओ। 3-3 दिन थोड़ी ना वेट करते होते हैं। जब भी कभी मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि भाई जब कभी डिस्चार्ज होता है, कुछ होता है, उसमें मतलब इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर एक दिन में बच्चे नहीं हो रहे तो उसको साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट कराओ। 3-3 दिन फीमेल, अब ये क्या होता है, ब्लैकिश हो जाता है बच्चा, ये सारा का सारा इसके अंदर पॉइजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो पर चांस फीमेल का मतलब ब्लड में नहीं आया, जब ये पॉइजन सारा ब्लड के टच में आया था तो सेप्टिसीमिया हो जाता है फीमेल के अंदर, फिर फीमेल को बचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मर्द का केस ऐसे आते हैं कि यूट्रस के अंदर इतना ज़्यादा पॉइजन बना पड़ा होता है कि उस पर कट लगाते हैं और फीमेल सेप्टिसीमिया में आ जाती है। तो इसी का आपने ख्याल रखना गाइस, कभी भी ऐसा हो तो यार इमीडिएट एक्शन लो और प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाओ जो प्रॉपरली उसका कर पाए ट्रीटमेंट। और सीजेरियन को लोग बड़ा हवा समझते हैं कि भाई सीजेरियन कर दिया तो बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस ऑलरेडी डॉक्टर से सीजेरियन कराओगे तो ये बड़ा माइल्ड सा सर्जरी होती है, 1 इंच के कट में से सारा कुछ बाहर आ जाता है। तो इस चीज़ में रिलक्टेंट नहीं रहना चाहिए, आपकी फीमेल की जान, उसके जो बच्चों की जान है वो बहुत क्रूशियल होती है। टाइम पर अगर डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो दोनों की जान बचेगी, थोड़ा लेट लेके जाओगे तो बच्चे मर सकते हैं, फीमेल की जान बच जाती है, और तो बिल्कुल लेट जाओगे तो दोनों की जान पे खतरा हो जाता है। तो इस चीज़ का शर्मा शर्मी से ऊपर उठ के, और पता कि इन चीज़ों को प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये इसके चक्कर में डॉग की जान अपने दांव पे नहीं लगानी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटिव था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। लव यू ऑल।